जबलपुर की सड़कों के हालात इन दिनों खस्ताहाल हो गई है। खस्ताहाल सड़कों पर चलना भी अब लोगों को दूभर हो रहा है। शहर में लगातार हुई बारिश के चलते सड़कों को गहरे गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों की वजह से आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मदन महल से लिंक रोड यादव कॉलोनी की ओर जाने वाली सड़क इन दिनों लोगों की परेशानियों का सबब बनी हुई है। बारिश के चलते सड़क काफी गहरे गड्ढे हो चुके हैं। सड़क में हुई गड्ढों के चलते आए दिन लोग दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने नगर निगम के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सड़क को शीघ्र दुरुस्त करने की मांग की है। वो है जी, यहाँ तो दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि गड्ढे बहुत हैं, पानी भरा रहता है और हमेशा गिरते रहते हैं आदमी लोग, बच्चियाँ गिरती हैं, गाड़ी जाम हो जाती है, रुक जाती है। इतनी परेशानी यहाँ तो कि आप बोल नहीं सकते, और कोई आता भी नहीं, और आते हैं तो बस बात करके चले जाते हैं, बाकी करना कुछ है नहीं। कितने गहरे गड्ढे हैं यहाँ? 1-1.5 फुट गड्ढे हैं, 1-1.5 फुट एक गड्ढा है, और अभी तो पानी भरा है, जब खाली हो जाएगा तो और समझ में आ जाएगा। ऐसा यहाँ कोई भी नहीं है कि सुन सके, कोई नहीं आता जाता, और बच्चे बहुत गिरते हैं यहाँ पे। और जब गाड़ी चलती है तो आदमी उस लाइन से जाता है, बोला उस तरफ की लाइन ठीक है, इस तरफ की तो गड्ढे गड्ढे हैं, तो आदमी उधर जाता तो जाम लग जाता है। और ट्रेन की टाइम में तो बहुत दिक्कत होती है, ट्रेनें जब निकलती हैं तो बहुत दिक्कत। हाँ जी सर, नमस्कार सर। सर ये लिंक रोड है कचपुरा ब्रिज से, जो मदन महल से कचपुरा ब्रिज के लिए गई हुई है ये रास्ता, ये काफ़ी दिनों से सर बर्बाद हो चुकी है। एक साइड के रोड के कारण दूसरी साइड से व्यक्ति जा रहा है यहाँ पर, जो कि दुर्घटना काफ़ी सारी होती रहती है यहाँ पर। इसका कोई मिवाल नहीं है कि कई बच्चे गिर चुके हैं, स्कूल वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे जो जा रहे हैं इधर, ऊपर से जो नया मार्ग बना हुआ है इस रास्ते पे कई वाहन जाते हुए नज़र आते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं सर। और मैंने जो ई रिक्शा वगैरह चल रहे हैं, ई रिक्शा में कई जगह मैंने पलटते हुए देखा है अपने यहीं, और उनको कई जगह हेल्प की है। कई विकलांग लोग भी जो यहाँ से गुजरते हैं सर, विकलांगों को भी मैंने कई बार धक्का देखा थे आगे भगाता हुआ। कई क्या है, कई वाहन लड़के जो आजकल के लड़के हैं वो ऊपर नीचे गाड़ी चलाने के कारण कई हादसे हो रहे हैं, जो कि कई घाटे भी हो रहे हैं। कहने का मतलब हम लोग भी यहाँ खड़े रहते हैं तो कीचड़ वगैरह भी आता रहता है, उसको बचने के लिए हम लोगों ने कई बार यहाँ पर अभी कुछ समय पहले गिट्टी रहता सीमेंट डलवाया हुआ था, और कई वाहन गिरते रहते हैं, कई बच्चे गिरते हैं, हम लोगों को भी आसूदगी जा रही है। तो मेरा ये निवेदन है सरकार द्वारा कुछ इस रिश्ते का समाधान कराया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम रविशंकर सैनी।